सो लाइफ में ना कुछ चीज़ें सिंपल तरीके से स्टार्ट होता है और कुछ चीज़ें बहुत कॉम्प्लेक्स। अभी तक तो मेरे लाइफ में सब कुछ सिंपल ही है, ये देखो सिंपल। जैसे अभी तक तो मेरे लाइफ में सब कुछ सिंपल ही सिंपल है, ये बोया का M1 एंड ये बोया का MM1 दोनों ही सिंपल माइक्रोफोन है। पता नहीं कब कॉम्प्लेक्स वाला माइक्रोफोन आएगा, जैसे कि रोड का या फिर किसी और ब्रांड का जिससे गेन कंट्रोल हो पाए। अभी तक सिंपल ही सिंपल है, क्योंकि देखो अभी अब सिंपल वाला लाइफ में रोड का माइक्रोफोन यूज़ करोगे ना तो रोड पे चला जाओगे। सो आज हम करेंगे बोया का ये सिंपल सा माइक्रोफोन का अनबॉक्सिंग। कर चुका हूँ यार, चलिए वो सुनहरे लम्हों को देख लेते हैं एक बार। सो व्हाट्स अप एंड आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन, वेलकम टू द चैनल वीआर फिल्म्स। आप सबको इस चैनल में स्वागत है, सो सब्सक्राइब करके जाना एंड बेल आइकन को टिंग कर रहे। तो ये है बोया का माइक्रोफोन जो मैंने ख़रीदा है अमेजोन से। चलिए फर्स्ट करेंगे अनबॉक्सिंग। अब ये क्या है, बहुत देर से सब्र करके मैंने पैकेट को ओपन नहीं किया। एंड दिस इज बोया M1। सो ये कंफर्टेबल है किस किस के साथ, मोबाइल, टैब, PC एंड DSLR। चलिए इसको देखते हैं अंदर क्या क्या है ओपन करके। सील विल कुछ नहीं है, वाह अच्छा खासा एक फोम वाला बैग, ये लेदर का नहीं मुझे पता है। ये कुछ वारंटी कार्ड, यूज़र मैनुअल एंड दिस इज द मेन बैग। इसके अंदर है ये आपका माइक्रोफोन और कुछ कुछ भी है। इसको चले इसको साइड को साइड पर रखते हैं। पाउच के अंदर एक बड़ा सा एडाप्टर, एक बैटरी, माइक्रोफोन का स्पंज एंड ये क्लिप। सो दिस इज द मेन यूनिट, दिस इज द मेन यूनिट एंड ये अंदर है। इसके अंदर ये बैटरी जाता है, दिस इज द स्पेस फॉर द बैटरी। इसको बाद में डालेंगे, पहले देखते हैं पूरा यूनिट को। 3.5 mm जैक जो DSLR एंड मोबाइल के साथ कंफर्टेबल है। आपको बस एक स्विच से इसका मोड चेंज करना है, जैसे कि ये देखिए यहाँ पे लिखा है दिस कैमरा एंड दिस इज स्मार्टफोन ऑन एंड ऑफ एंड दिस इज द माइक्रोफोन पार्ट एंड दिस इज द एक्सटेंडेड केबल। एक बार ये पैकेट ओपन करके देखते हैं इसके अंदर जो कुछ भी है कैसा है। ये एडाप्टर मुझे कुछ काम करने लग रहा है, बहुत सारे लोग ये है। अभी स्पंज को इसके ऊपर फिट करना है ताकि थोड़ा सा जो विंड का नॉइज़ आता है इससे कम होता है। ये स्पंज से हो गया फिट एंड ये क्लिप को भी यहाँ पे फिट करना है। पहले बैटरी को डाल लेते हैं। तो ये वाला बैटरी देख के ना मुझे पुराना वाला दिन याद आ जाता है, जैसे कि पापा के साथ घड़ी के बैटरी चेंज करने के लिए जाता था। जब ये वाला बैटरी जब दुकानदार निकाल देता था तो उसको लेके हम लोग वापस लाते थे घर पे खेलने के लिए। हो गया, चलो थोड़ा बहुत फिट हो गया। अब इसका क्लिप लगाते हैं। छोटा वाला पैकेट मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसको ना साइड पर रखना पड़ेगा क्योंकि कभी कभी ये बहुत काम आता है। जैसे कि आप मेमोरी कार्ड कहीं पे खोल कर रख रहे हो तो ये वाला छोटा छोटा पाउच बहुत काम आता है। अब इसके लिए एक लाइट ठोक देना, अच्छा वाला एडवाइस दिया। हाँ हो गया क्लिप। तो चलो इसका टेस्ट करके देखते हैं। और मेरे पास जो बोया का MN1 शॉटगन माइक्रोफोन है उसके साथ भी थोड़ा सा कंपेयर करके भी बताएंगे कि कैसा है इसका क्वालिटी एंड उसका क्वालिटी। तो जो मैंने बोला अनबॉक्सिंग करते करते कि कुछ पुराने वाला दिन का याद आ गया। अभी पुराने दिन के बात बोलूँ तो मैंने पहले जो ख़रीदा था वो है बोया का MM1 माइक्रोफोन जो अभी कैमरे के ऊपर है। ये एक शॉटगन माइक्रोफोन है। अभी तक मैंने जो कुछ भी किया है वो ब्लॉगिंग रिलेटेड था तो इसलिए ये वाला माइक्रोफोन यूज़ करता था। अब देखो कुछ शूटिंग्स ऐसा भी होता है कि हम करीब से नहीं कर पाते, वो थोड़ा सा डिस्टेंस में जाके शूट करते हैं। अगर आप एक नॉर्मल यूट्यूबर हो
या फिर आप कोई छोटा मोटा कॉमेडी वीडियो बनाते हो या फिर कोई भी एंटरटेनमेंट वीडियो बनाते हो जो जिसपे आपसे आपका कैमरे का डिस्टेंस 1 मीटर से ज़्यादा होता है, उससे क्या होता है साउंड आपको ज़्यादा नहीं मिलता है। सो इस माइक्रोफोन से आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है क्योंकि इस पर है बहुत बड़ा वाला वायर। सो मेरे दूसरे चैनल है उस पर मैं कॉमेडी वीडियो शूट करता हूँ, तो उसके लिए ये शॉटगन माइक्रोफोन थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि जब डिस्टेंस शूट होता है तो इसके टाइम उस टाइम पे ये शॉटगन माइक्रोफोन अगर कैमरे के ऊपर रहा तो साउंड इतना ज़्यादा नहीं आता, तो इसलिए मैं कोशिश किया कि एक एक्सटेंशन कॉर्ड बना लेता हूँ। तो लॉकडाउन के टाइम पे ना वो एक्सटेंशन कॉर्ड मिलना थोड़ा मुश्किल हो गया था क्योंकि ऑनलाइन डिलीवरी बंद था, तो उसकी वजह से मैंने एक जुगाड़ बनाया था। तो ये था वो जुगाड़, बेसिकली ये एक छोटा सा एक्सटेंशन था जिसको मैंने अंदर से कट करके वो वायरिंग करवाया। तो इसका भी एक ड्रॉबैक है, क्या है वो, अगर आप ज़्यादा लॉन्ग वायर यूज़ करोगे तो उसमें भी तो उससे भी क्या होता है साउंड की क्वालिटी थोड़ा सा घट जाता है। सो ये वाला माइक्रोफोन से थोड़ा सा सॉल्व हो सकता है वो, जैसे कि इस पर एक बैटरी है जिससे क्या होता है इसका जो साउंड क्वालिटी ना ठीक रहता है, वो एम्पलीफायर का काम करता है शायद, मुझे उतना फिजिक्स पता नहीं इसके अंदर का, तो मुझे लगा ऐसा तो इसलिए मैंने बोल दिया। अब अगर आपको सही मालूम है तो कमेंट करके बता सकते हो। अभी देखो ये इतना बड़ा वायरिंग है तो आप कैमरे से आराम से 2-3 मीटर के दूर पर शूट कर सकते हो। अगर आप कुछ भी एंटरटेनिंग वीडियो बना रहे हो या कुछ टाइप का वीडियो जहाँ पे आपसे आपके कैमरे के डिस्टेंस 1 मीटर से ज़्यादा है तो ये माइक्रोफोन बहुत काम आएगा क्योंकि शॉटगन माइक्रोफोन इतना डिस्टेंस का साउंड नहीं कैच कर पाता है, तो अगर कैच कर भी लेता है उतना साउंड ज़्यादा नहीं मिलता, इफेक्टिव साउंड बहुत कम हो जाता है। तो इसीलिए दिस इज़ द बेटर माइक्रोफोन फॉर दिस, एंड बहुत बक बक कर लिया। अब चलिए इसका साउंड टेस्ट करते हैं कॉलर पे लगा के ऑब्वियसली। सो अभी देखो मैंने ये माइक्रोफोन फिट कर लिया, ये कॉलर पे है, तो अभी कैमरे से तो बहुत दूर जा नहीं सकता क्योंकि रूम छोटा है, तो अगर जाना पड़ेगा तो दूसरे वाला बिल्डिंग के छत पे जाकर वीडियो करना पड़ेगा। मजाक था, मजाक को मजाक की तरह लिया करो। जो भी है अभी इसका क्वालिटी आपको पता चल रहा है, तो ये वीडियो बनाने के पहले मैंने इसका साउंड क्वालिटी थोड़ा सा चेक कर लिया, लगभग सेम ही है। ये वाला माइक्रोफोन के बहुत करीब से अगर आप बात करोगे तो थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड हो जाता है इसका साउंड क्वालिटी, या 6 इंचेस के दूरी से आप अगर बात करोगे तो इट्स ओके क्वालिटी। नॉइज़ रिडक्शन थोड़ा सा कम है शॉटगन से अगर कंपेयर किया जाए तो, क्योंकि शॉटगन के ऊपर ये बिल्ली का लोम होता है, पता नहीं ये किसका लोम है मगर मुझे बहुत अच्छा लगता है, कभी कभी इससे ऐसे करता हूँ ना तो बहुत अच्छा फीलिंग्स होता है। हाँ, इसको अगर ऐसे खोल दो तो इसका जो नॉइज़ रिडक्शन है वो बिल्कुल इसी की तरह है। तो बेसिकली क्या होता है, ये रहने से इसका नॉइज़ रिडक्शन थोड़ा सा कम हो जाता है, और इससे अगर कंपेयर किया जाए तो इसके मामले में थोड़ा सा कम है इसका नॉइज़ रिडक्शन। तो क्या किया जाए, है तो दोनों दो टाइप का ना। तो इसका बेनिफिट ये है अगर आप ब्लॉगिंग कर रहे हो तो भी ये सही है, कॉम्पैक्ट आप इसको कॉलर पे लगा के बात कर सकते हो, अगर आपका मूवमेंट बहुत ज़्यादा नहीं है तो, क्यों मैं वो बताऊंगा, इसका एक ड्रॉबैक है। एंड अगर आप सिर्फ ब्लॉगिंग ही करते हो ऐसे हाथ पे कैमरा पकड़ के तो आप, मैं प्रेफर करूँगा शॉटगन लेने का, क्योंकि इसका जो प्राइस है ना लगभग आसपास है, ये 1100 के अंदर वो 1500 के अंदर आता है, वो भी बोया का है। सो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आप ब्लॉगिंग कर रहे हो तो ज़रूर बोया का MM1 खरीदो, एंड अगर आप ब्लॉगिंग छोड़ के और भी कुछ बनाते हो जैसे कि एंटरटेनमेंट वीडियो थोड़ा सा डिस्टेंस शूट के लिए एंड प्रैंक वीडियोज़ एंड ऑल जो भी होता है जो स्पेसिफिकली पर्सन स्पेसिफाइड होता है, एक पर्सन के कॉलर पर लगा दो माइक, हो गया, जैसे कि मैंने मेरे ऊपर लगा दिया, इससे क्या हुआ मेरा ही सिर्फ वॉइस आ रहा है एंड मैं जितना भी दूर जाऊं मेरा ही वॉइस आएगा, तो इसके लिए ये वाला माइक्रोफोन ठीक है। अगर आपके पास 2-3 पर्सन है, आप कॉमेडी वीडियो ग्रुप कॉमेडी वीडियो शूट कर रहे हो तो भी मैं ये रेकमेंड नहीं करूँगा। आप ऐसा करो, एक एक्सटेंशन ख़रीद लो फिर शॉटगन यूज़ करो। शॉटगन को आप अगर ऐसे लटकाओगे ना ऊपर से एक्सटेंशन दे के
जो नॉर्मल वीडियो मूवी शूटिंग पे होता था ऊपर से माइक्रोफोन लटका हुआ रहता है, वैसे करोगे तो और ज़्यादा अच्छा साउंड क्वालिटी आएगा। मैंने ये टेस्ट करके देखा। सो अभी आपकी मर्ज़ी आपको कौन सी वाले माइक्रोफोन लेना है। एंड साउंड क्वालिटी के तरफ से देखा जाए दोनों का लगभग सेम ही है अगर आप बिना नॉइज़ के प्लेस पे बात कर रहे हो। हाँ, नॉइज़ वाला प्लेस पे अगर आप बात कर रहे हो तो इससे थोड़ा सा क्वालिटी घट जाता है। एंड ऊपर से और एक बात, उसके ऊपर वो बिल्ली वाला लोम होता है ना, तो उसके वजह से अगर आप ज़्यादा विंडी प्लेस में बात कर रहे हो, ब्लॉगिंग या फिर कुछ भी कर रहे हो, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो बोया का वो MM1 माइक्रोफोन बेटर है। अब देखो, ये वाला माइक्रोफोन का बेनिफिट बहुत सारा है, जैसे कि आप इसको इजीली कॉलर पर अटैच करके शूट कर सकते हो, डिस्टेंस पे भी शूट कर सकते हो, साउंड क्वालिटी भी बहुत अच्छा है, बहुत सारे बेनिफिट्स है। बट एक ड्रॉबैक आता है ये वाला माइक्रोफोन, अगर आप शूट करने के टाइम ज़्यादा मूव कर रहे हो तो इससे आपका क्या है, शर्ट वर्ट जिस पे आप ये माइक्रोफोन लगाए हो वो ज़्यादा हिल रहा है, तो उसके वजह से क्या होगा, ये थोड़ा सा नॉइज़ क्रिएट करेगा। जैसे कि सोचो कि ये मैंने, अब देखो ये नॉइज़ क्रिएट कर रहा है और अब हिल रहे हो कुछ, उसके वजह से ये वेयर पे टच हो रहा है, तो ये वाला नॉइज़ क्रिएट होगा, जो इसका थोड़ा सा मुझे ड्रॉबैक लगा। एंड सो और कुछ नहीं, अगर इससे भी आप सेटिस्फाइड नहीं हो कि यार साउंड क्वालिटी पता नहीं चल रहा है इससे, तो एक काम करो, आप चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ, लगातार वीडियो देखते रहो, पता चल जाएगा आपको ऑडियो क्वालिटी के बारे में। एंड सेकेंड जो चैनल है हम लोगों का जिस पे हम ये वाले चीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, वो है एक कॉमेडी वीडियो चैनल, जो कि प्रॉपर बंगाली कॉमेडी वीडियो चैनल है, द जोकर्स वर्ल्ड नाम के, वो सब्सक्राइब करो तो उससे पता चल जाएगा ये वाला माइक्रोफोन का क्वालिटी। एंड अगर आप बोया M1 का क्वालिटी जानना चाहते हो तो इस चैनल पे सब्सक्राइब करके रख दो, क्योंकि ये वाला माइक्रोफोन मैं ज़्यादातर ब्लॉगिंग के टाइम पे यूज़ करता हूँ। एंड बाय द वे, यू कैन यूज़ दिस माइक्रोफोन एट द टाइम ऑफ योर मोटो ब्लॉगिंग, बट इतना लंबा वायर है ना, इसको हेलमेट के अंदर आपको लपेट के रखना है तो थोड़ी सी तकलीफ होगी, वो अगर आप झेल लिए तो आपके मोटो ब्लॉगिंग में भी ये काम आ जाएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। डू गुड फॉर गॉट एंड होप फॉर द बेस्ट, टिल देन वेयर हेलमेट, राइड सेफली एंड स्टे हैप्पी।